हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन नीट। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम लगातार 30 क्वेश्चन कर रहे हैं हर चैप्टर वाइज के। तो उसी सीरीज के अंदर आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो उसके आगे वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, उसके आज हम 30 मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको नीट के अंदर इन क्वेश्चन से आपको कुछ फायदा हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि मेरा नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो इंग्लिश में मैंने लिख रखा है, मैं हिंदी में हमेशा की तरह ट्रांसलेट कर दूंगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स दैट इंटरेक्ट विद वन अदर। ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीसीज इज वन प्लेस एट वन टाइम। बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट विद विच द कम्युनिटी इंटरेक्ट्स। ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग केमिकल्स एंड देयर साइकिल्स। क्या होता है इकोसिस्टम? नॉर्मल सा क्वेश्चन है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट विद विच द कम्युनिटी इंटरेक्ट्स। ये इसका राइट आंसर होगा इकोसिस्टम का डेफिनेशन से। तो फर्स्ट का यहां पर राइट आंसर जाएगा सी। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ मेन मेड इकोसिस्टम। कौन सा मेन मेड इकोसिस्टम होता है ये तो आप आराम से बता भी देंगे। क्या होगा इसका आंसर? हर्बेरियम, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, बोथ ए एंड बी। नॉर्मली जो बच्चे होंगे वो कंफ्यूज होंगे, या तो आंसर बी जाएगा या आंसर डी जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। राइट आंसर इसका होगा डी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि हर्बेरियम भी कौन बनाता है? मेन ही बनाता है, प्रकृति अपने आप हर्बेरियम नहीं बनाती है। तो ये काम किसका है? मेन का ही है। ठीक है, तो हर्बेरियम और क्रॉप फील्ड यानी खेत, ये दोनों ही क्या होते हैं? मेन मेड इकोसिस्टम होते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन डी उसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड। जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीसीज का, जिस पर अलग अलग लेवल पर अलग अलग आपको स्पीसीज देखने को मिलेगी, वो क्या कहलाता है? इन्यूमरेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, स्पीसीज कंपोजिशन, या नन ऑफ दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट के अंदर आ रखा है पहले भी और आगे भी बहुत बार आने के चांस है इसके। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो इसका थर्ड का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा इसका बी, स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि स्तरीकरण कहलाता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। इन एंड इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर ए बायोटिक कंपोनेंट्स होता है, वो क्या इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर? फ्लो ऑफ एनर्जी, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, कंज्यूमर्स, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स। क्या इंक्लूड हो सकता है ए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर? तो फोर्थ का यहां पर राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, यानी ए बायोटिक कंपोनेंट होता है उसके अंदर हम फ्लो ऑफ एनर्जी भी करा सकते हैं और साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स भी ए बायोटिक कंपोनेंट्स के द्वारा होता है। तो यहां पर मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर फाइव, टू मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स आर। कौन सा दो मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स, संरचनात्मक उसके फीचर है इकोसिस्टम के? स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन, स्पीसीज कंपोजिशन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिक एंड स्ट्रेटिफिकेशन। कौन दो मेन स्ट्रक्चरल फीचर है, स्ट्रक्चरल फीचर? तो फाइव का यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा ए, स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। ये दो होते हैं स्ट्रक्चरल फीचर। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में पढ़ना, फंक्शनल फीचर ना करके आना, स्ट्रक्चरल फीचर। तो फाइव भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। 30 के 30 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी मैं कुछ ऐसे लगा रहा हूं जो मुझे लग रहे हैं इस बार आपके नीट के अंदर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता किसे बोलेंगे? इज इक्वल टू द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ एन इकोसिस्टम, इज ग्रेटेस्ट इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी इन एन इकोसिस्टम,
इज इन्वर्टेड सम एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्या होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? तो सिक्स का यहाँ पर सिंपल सा आंसर होगा, आपको पता भी होगा, सिक्स का राइट आंसर क्या जाएगा, सी। ये रेट होती है किसकी, कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सिक्स का राइट आंसर क्या जाएगा यहां पर, सी। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट ऑफन लिमिट्स द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम, निम्न में से कौन सा है जो सीमा कार्य हो सकता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, सोलार रेडिएशन यानी लाइट, ऑक्सीजन, कंज्यूमर्स या फिर नाइट्रोजन, कौन सीमाकारी कारक हो सकता है जो इसको रोक सके प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को? तो सेवंथ का यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ए, सोलार रेडिएशन या फिर लाइट। अगर लाइट नहीं होगी, सोलार रेडिएशन नहीं होगा तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो सेवंथ का यहाँ पर राइट आंसर होगा ए। फिर आओ क्वेश्चन नंबर एट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प द वाटर सोल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सोइल होरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एंड अनअवेलेबल सॉल्ट्स, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, बहुत बार नीट के अंदर आ रहा है, बहुत बार, और आगे भी इसके बहुत बार चांसेस है आपके नीट के अंदर आने की, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन देखिए, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म या ह्यूमिफिकेशन, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो एट का राइट आंसर यहाँ पर जाएगा बी, लीचिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, जब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो मृदा के नीचे चले जाते हैं और क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग। तो एट का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नाइन, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो है वो कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल या ऑल ऑफ दिस? इसका आंसर सिंपल सा है, आप आराम से देख सकते हैं कैसी होती है। तो नाइन्थ का राइट आंसर हो जाएगा ए, यूनिडायरेक्शनल होती है, कभी भी ना तो बाई डायरेक्शनल होगी ना ही मल्टी डायरेक्शनल होगी, यूनिडायरेक्शनल होता है एनर्जी फ्लो, ठीक है। नाइन का राइट आंसर चला जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का जो पिरामिड होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, नॉट ट्रू, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, Only about 10% of the energy in one trophic level is passed into the next level. Because of the loss of energy at each trophic level, mass food chain are limited to 3 to 5 steps. The pyramid of productivity of some aquatic ecosystem is inverted because of the large zooplankton primary consumers level. Eating grain food brief is an inefficient means of obtaining the energy trapped by photosynthesis. कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी का? तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा सी, द पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सम एक्वेटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड बिकॉज ऑफ द लार्ज जू प्लैंकटन प्राइमरी कंज्यूमर लेवल, ये स्टेटमेंट है वो गलत है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो ध्यान रखना ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 10th का। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 11, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अगर हमारे पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि आपके लाइक है वो हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करते हैं और हम आगे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने फेसबुक पेज ऑनलाइन नीट वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज नाउन एज, मोस्ट मोस्ट फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट के पॉइंट ऑफ से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर एक पर्टिकुलर टाइम पर जो सर्टेन मास होता है लिविंग मटेरियल का वो क्या कहलाता है, कैटाबोलिज्म, स्टैंडिंग क्रॉप, ह्यूमिफिकेशन या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या कहलाता है? आपको बहुत फेमस नाम है ये, 11th का राइट आंसर होगा वो होगा बी, स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल, ये कहलाती है एट ए पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी लिविंग मटेरियल एक साथ जो उसका मास होगा वो क्या कहलाएगा, स्टैंडिंग क्रॉप। तो 11th का राइट आंसर यहां पर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ए सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, कौन बायोजियोकेमिकल साइकिल का औषधि प्रकार है, फॉस्फोरस एंड कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, कौन सा है वो सेडिमेंट्री टाइप है बायोजियोकेमिकल साइकिल का? तो 12 का राइट आंसर क्या जाएगा, सिंपल सा आंसर होता है क्या होगा, डी, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये होते हैं सेडिमेंट्री टाइप। बाकी सारे कैसे हैं, कुछ गैसेज हैं, कुछ सेडिमेंट्री है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, सेडिमेंट्री।
क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीकम्पोजिशन। फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डीकम्पोजिशन, आपको बहुत बार पता होगा नीट के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं डीकम्पोजिशन से, ठीक है, ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट वाला बताना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन देखिए, डीकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन द लिग्निन एंड काइटिन एंड क्विकर If detritus is rich in nitrogen and water soluble substance like sugars. Second, देखिए, decomposition rate is slower if detritus is rich in nitrogen and water soluble substance like sugar and quicker if detritus is rich in lignin and chitin. Option third, decomposition rate is slower if detritus is rich in cellulose and quicker if detritus rich in phosphorus. Fourth, decomposition rate is quicker if detritus is rich in lignin and lower if detritus rich in sulfur. क्या correct statement है decomposition के बारे में? तो question number 13 का जो right answer होगा वो होगा A, कि decomposition है वो slow होता है जब कोई भी material है वो किसका बना हो, lignin या chitin का बना हो, और fast होता है जब material किसका बना हो, nitrogen या water soluble substance का बना हो, तब decomposition fast होगा, और लिग्निन और क्राइटिन का होगा तो जो डीकंपोजिशन है वो कैसा होगा, स्लो होगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच वन इज द करेक्ट फूड चेन। ठीक है, यहां पर जो है वो एरो नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको एरो बना के दिखा देता हूं, इस तरह से ये एरो बनेंगे यहां पर, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा है वो करेक्ट फूड चेन है, ठीक है, ईगल, स्नेक, ग्रास होपर, फिर ग्रास, फिर फ्रॉग। दूसरा है फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास होपर, ग्रास। तीसरा है ग्रास होपर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, ईगल। और फोर्थ है ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा बताइए, कौन सी करेक्ट फूड चेन है? तो 14 का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा यहां पर डी। क्या होगा, सबसे पहले आएगी हमारे पास ग्रास, ठीक है, क्या आएगी हमारे पास ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को खाएगा ग्रास होपर, ग्रास होपर को कौन खाएगा, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, स्नेक को कौन खाएगा, ईगल। तो फोर्थ ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट फूड चेन होगी हमारी 14 नंबर क्वेश्चन की, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, इन पैरासाइटिक फूड चेन द पिरामिड ऑफ नंबर इज। जो पैरासाइटिक फूड चेन होती है उसके अंदर जो नंबर का पिरामिड होता है वो कैसा होता है, लीनियर, अपराइट, इन्वर्टेड या इन्वर्टेड अपराइट, कैसा होता है नंबर का पिरामिड? तो क्वेश्चन नंबर 15 का इसका राइट आंसर जाएगा 15 का वो जाएगा हमारे पास सी। क्या जाएगा, सी, ठीक है, इन्वर्टेड होता है नंबर ऑफ पिरामिड पैरासिटिक फूड का जो होता है वो कैसा होता है, पैरासिटिक फूड चेन का इन्वर्टेड, उल्टा, ठीक है। 15 का राइट आंसर होगा सी। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द फॉस्फोरस साइकिल डिफर्स फ्रॉम द कार्बन साइकिल इज दैट। मोस्ट फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फॉस्फोरस साइकिल होता है वो कार्बन साइकिल से किस प्रकार डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसका, द फॉस्फोरस डज नॉट एंटर लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर एज कार्बन डज। सेकेंड है द फॉस्फोरस साइकिल डज नॉट इंक्लूड ए गैसेज फेज वेयर एज द कार्बन साइकिल डज। थर्ड है द फॉस्फोरस साइकिल इंक्लूड्स ए सॉलिड फेज वेयर एज द कार्बन साइकिल डज नॉट। एंड फोर्थ है द प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ द फॉस्फोरस साइकिल इज द एटमोस्फियर वेयर एज द प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ द कार्बन साइकिल इज एन रॉक। तो क्या आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आएगा यहां पर बी, द फॉस्फोरस साइकिल डज नॉट इंक्लूड ए गैसेज फेज वेयर इज द कार्बन साइकिल डज, क्योंकि फॉस्फोरस कैसा होता है, सेडिमेंट्री होता है, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रासलैंड कैन सपोर्ट ग्रेटर ग्रेजिंग रेट्स बाय हर्बीवोरस देन फॉरेस्ट बिकॉज। ग्रासलैंड होता है उसके अंदर जो ग्रेजिंग रेट होती है वो ज्यादा होती है किसके, फॉरेस्ट से, क्यों? तो नेट प्रोडक्शन ऑफ ग्रासलैंड्स इज ग्रेटर, मोर ऑफ द ग्रासलैंड इज अबव द ग्राउंड, ग्रासलैंड रिसीव मोर सनलाइट, ग्रासलैंड प्रोड्यूस लेस वुडी प्लांट टिश्यू। क्या कारण है कि ग्रासलैंड के अंदर
जो हर्बीवोरस होते हैं उसकी ग्रेजिंग रेट ज्यादा होती है फॉरेस्ट से। तो 17 का राइट आंसर आएगा यहाँ पर डी, ग्रासलैंड प्रोड्यूस लेस वुडी प्लांट टिश्यू, ये इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना 17 का राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड हर्बीवोरस, एनसीईआरटी के लाइन से बनाया गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिख रखी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड हर्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड हर्बीवोरस, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड हर्बीवोरस, प्राइमरी कॉर्निवोरस एंड सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, किसमें डिफरेंस नहीं होता है। तो 18 का राइट आंसर होगा बी, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड हर्बीवोरस, इसमें हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो 18 का राइट आंसर होगा बी, एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द प्राइमरी सक्सेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज ऑन एन, कहां पर आपको प्राइमरी सक्सेशन यानी प्राथमिक अनुक्रमण देखने को मिलेगा। फ्रेशली क्लियर्ड क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट क्लियरिंग आफ्टर डिवास्टिंग फायर, पॉन्ड फ्रेशली फील्ड विद वाटर आफ्टर ए ड्राई फेज, न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट विद नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन, कहां पर आपको प्राइमरी सक्सेशन देखने को मिलेगा। तो 19 का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट विद नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन, यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी सक्सेशन। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जाएगा डी, मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए फूड वेब ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल हैज, फूड वेब के अंदर जो प्रत्येक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल होता है वो कैसा होता है। इंक्रीज्ड टोटल एनर्जी कंटेंट, लेस टोटल एनर्जी कंटेंट, मोर टोटल एनर्जी कंटेंट या नॉन एस्टिमेटेड एनर्जी कंटेंट। तो 20 का राइट आंसर होगा यहां पर बी, लेस टोटल एनर्जी कंटेंट, जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल आएगा वो पहले से एनर्जी के अंदर क्या होगा कम होगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार नीट के अंदर आ रखा है ये कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होता है, माउंटेन डेजर्ट फॉरेस्ट या ओशियन। तो 21 का यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा, जनरली बच्चे कर आते हैं वो कर आते हैं सी, फॉरेस्ट मोस्ट स्टेबल होता है, लेकिन मैं बता दूं 21 का यहाँ पर राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, ओशियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लगा देता हूँ, आप ध्यान में रखना। नॉर्मली बच्चे फॉरेस्ट कर आते हैं लेकिन फॉरेस्ट यहाँ पर गलत होता है, इसका राइट आंसर जाता है यहाँ पर ओशियन डी। इन इकोलॉजिकल, क्वेश्चन नंबर 22, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन फ्रॉम पायोनियर टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी द बायोमास सेल, जब सक्सेशन होता है अनुक्रमण होता है तो पायोनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है, उस समय बायोमास क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, नो रिलेशन बिटवीन दीज कम्युनिटीज, इंक्रीज कंटिन्यूसली, क्या होगा बायोमास। तो 22 का राइट आंसर यहां पर जाएगा डी, इंक्रीज कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली क्या होगा बायोमास लगातार इंक्रीज होता जाएगा, सबसे कम बायोमास होगा पायोनियर का और सबसे ज्यादा होगा क्लाइमेक्स का। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर यहां पर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत बार नीट के अंदर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वापिस से आने के चांस है इसके। द टर्म इकोसिस्टम वॉज गिवन बाई, किसके द्वारा इकोसिस्टम टर्म दी गई थी, ई एपियोडम, एजी टेंसले, ई हैकल या ई वार्मिंग। तो 23 का यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, नॉर्मली बच्चे ओडम करके आते हैं लेकिन ओडम यहाँ पर राइट आंसर नहीं है, ध्यान रखना, थोड़ा सा पढ़िए, इसने पूछा है टर्म किसने दी थी इकोसिस्टम, तो टर्म दी थी टेंसले ने, किसने दी थी टेंसले ने, यानी राइट आंसर इसका क्या जाएगा बी। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज गवर्न्ड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनसीईआरटी की लाइन है ये। द एवरेज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हर्बीवोरस टू कॉर्निवोरस इज, तो हर्बीवोरस से कॉर्निवोरस के अंदर कितनी आपके एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है, एफिशियंसी बतानी है आपको, 5%, 10%, 25% या 50%। तो 24 का यहाँ पर राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 10%, 10% एनर्जी है वो, एफिशिएंसी की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है अगले ट्रॉफिक लेवल के अंदर, यानी हर्बीवोरस टू कॉर्निवोरस। तो 24 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलार रेडिएशन द प्रोपोर्शन ऑफ पार इज, जो प्रोपोर्शन ऑफ पार होता है वो कितने परसेंट होता है ये आपको बताना है, टोटल इंसिडेंट सोलार रेडिएशन का, अबाउट 70%, अबाउट 60%, लेस देन 50% या मोर देन 80%, कितने परसेंट होता है टोटल रेडिएशन सोलार का। तो
25 का यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा सी, लेस देन 50%। कितना होता है? लेस देन 50% होता है पार टोटल सोलर रेडिएशन का। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड। जो पूरी ग्लोबल कार्बन का जो 70% है वो आपको कहां मिलेगा? ग्रासलैंड में, एग्रो इकोसिस्टम के अंदर, ओशियंस के अंदर या फॉरेस्ट के अंदर, कहां पर आपको 70% कार्बन देखने को मिलेगा? तो 26 का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, ओशियन के अंदर आपको देखने को मिलेगा जितना भी कार्बन है पृथ्वी पर उसका 70% पार्ट। ठीक है, एनसीईआरटी के डाटा ये। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूमेटोफोरस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स ग्रोविंग इन। जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो जो एक प्लांट की क्या होते हैं विशेषता होती है, वो कहां पर ग्रो करते हैं? सेलाइन सोइल में, सेंड्री सोइल में, मार्सी प्लेस एंड साल्ट लेक्स या ड्राई लैंड रीजन के अंदर, कहां पर आपको देखने को मिलेंगे न्यूमेटोफोर्स? तो 27 का राइट आंसर क्या आएगा? सी, मार्सी प्लेस एंड साल्ट लेक्स होती है, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि प्लांट के अंदर कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो बाहर निकल के आ जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर यहां पर आएगा सी। अच्छा क्वेश्चन है, नीट के अंदर बहुत बार ये भी क्वेश्चन आ रखा है, न्यूमेटोफोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपियर एज द पायोनियर ऑर्गेनिजम्स ऑन बेयर रॉक। सबसे पहले आपको बेयर रॉक पर जो पायोनियर ऑर्गेनिज्म होगा, जिसको हम पायोनियर बोलेंगे, वो आप इनमें से कौन से होंगे? लाइकेन, लिवरवर्ट, मोसेस या ग्रीन एल्गी, कौन सबसे पहले बेयर रॉक पर आते हैं? तो 28 का राइट आंसर होगा वो होगा ए, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन है वो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद अलग अलग आते हैं, तो सबसे पहले कौन आता है? लाइकेन, ध्यान रखना। 28 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिसेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इज नोन एज। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो इंपॉर्टेंट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यू जो ट्रॉफिक लेवल पर लगातार जो टॉक्सिक की कंसेंट्रेशन का बढ़ना है वो क्या कहलाता है? बायो डेट्रियोरेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो जियोकेमिकल या बायो मैग्निफिकेशन। बहुत बार पूछा गया नीट के अंदर और हर साल ये नीट के अंदर क्वेश्चन, इसके चांसेस रहते हैं नीट के अंदर आने की। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर यहाँ पर जाएगा डी, बायो मैग्निफिकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं जैव आवर्धन। ठीक है, प्रत्येक टॉफिक स्तर पर लगातार टॉक्सिक की सांद्रता का बढ़ना जैव आवर्धन कहलाता है। तो 29 का राइट आंसर यहाँ पर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स। कार्बन साइकिल के अंदर बैक्टीरिया का मेन रोल क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना, कीमोसिंथेसिस, डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसिलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड। क्या काम होता है कार्बन साइकिल के अंदर बैक्टीरिया का? तो 30 का राइट आंसर यहां पर जाएगा सी, डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करता है? डाइजेशन करता है और उसका ब्रेकडाउन करने का काम करता है बैक्टीरिया कार्बन साइकिल के अंदर। तो ये हो गए आज के हमारे 30 क्वेश्चन। हमेशा की तरह फिर से मैं आपको दो क्वेश्चन देने वाला हूं, उसके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 के अंदर पूछा है, आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन। फॉलोइंग फूड चेन के अंदर आपको बतानी है कि ए है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। प्लांट से टिश्यू, इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा ए और ए को खाएगा ईगल। तो आपको बताना है कि ए क्या है, रैबिट, वुल्फ, कोबरा या पैरट, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 राइट आंसर ए बी सी डी जो भी हो कमेंट में मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इन ए फूड चेन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ। जो फूड चेन होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको किसकी देखने को मिलेगी? प्रोड्यूसर्स की, डीकंपोजर्स की, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की या प्राइमरी कंज्यूमर्स की? लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको किसकी देखने को मिलेगी, इसका भी आंसर आपको मुझे कमेंट में देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32 राइट आंसर एबीसीडी जो भी हो कमेंट में बता देना। तो ये हो गए आज के हमारे इकोसिस्टम के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी जो आंसर की है 30 क्वेश्चन की वो ये रही, आप यहां से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैं अपने फेसबुक पेज ऑनलाइन नीट वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा वीडियो अगर हमारा पसंद आया है, हमारे क्वेश्चन आपको अगर अच्छे लगे हैं,
एक वीडियो के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करते हैं। और आपके कुछ दोस्त वगैरह हो तो उनके बीच में शेयर भी कर देना वीडियो, ताकि वो भी इन क्वेश्चन का लाभ उठा सके। चैनल पर अगर पहली बार आ रखे हो, पहली बार अगर वीडियो देखा है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।